कबूतर ने देखो भाई ऐसे ही दे रखा है अंडा बिना घोंसले के। चाचू चाचू उसका अंडा पकड़ता है। लेकिन ना जो मेरा लैपटॉप है वो हो गया है खराब। रिसु मत कर, मत कर, रिसु मत कर। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में उत्तराखंड के देहरादून शहर से। तो आज देहरादून में है हमारा तीसरा दिन और इन तीन दिनों में ना यहाँ पर हम काफ़ी बिजी रहे। होता ही है जब किसी नई जगह पे जाते हैं ना तो वहाँ पर शिफ्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, बाकी बहुत कुछ सामान लाना होता है। तो पीछे जो भी सामान दिख रहा है अभी इसको भी अच्छे ढंग से डेकोरेट करना है, कहाँ पर ये चीज़ें लगेंगी वो भी देखना है। बाकी विश्व आपको कैसा लग रहा है देहरादून में? अच्छा। क्यों? यहाँ मुर्गी का अंडा है। और ये पता है मेरे कान में बोल रहा है कि यहाँ मुर्गी का अंडा है बाहर बालकनी में। फिर से एक कबूतर ने आज अंडा दे रखा है, उसको छेड़ना नहीं है, ठीक है? छेड़ना। और बाकी ये फ्रिज, ये जो भी सामान है, वॉशिंग मशीन, तो ये भी हम कल लेकर आए थे। फ्रिज तो पहले आ गया था लेकिन वॉशिंग मशीन वगैरह कल आई, तो इसको भी ना अभी देखना है कि कहाँ पर लगाएंगे। इसमें कपड़े धोते हैं। और बाहर दिखाता हूँ मैं वो अंडा कहाँ पे है, ये देखो भाई। और यहाँ पर सफाई करनी थी लेकिन कबूतर ने देखो भाई ऐसे ही दे रखा है अंडा बिना घोंसले के। ये क्या भाई, घोंसला तो बना दे यार, इतना लेजी हैं, इतना लेजी घोंसला भी नहीं बना सकते। देखो भाई अंडा यहाँ पर ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो इसलिए ना हमने ये बॉक्स बुक्स भी नहीं हटाया यहाँ से। चाची उसने घोंसला क्यों नहीं बनाया? उसको अच्छा ही नहीं लगा होगा। अच्छा मैं तो कुछ लाता हूँ बेटा, पकड़ो पकड़ो, तब तब फिर देना। मुर्गी लाल लाल, कौवा लाल, कौवा लाल लाल, कलर वैसिया। चाचू चाचू उसका अंडा पकड़ता है। अरे नहीं, वो उसका बच्चा है यार। जाओ तो आप जाओ, जाओ मुझे डर लग रहा है। जाओ, अब कबूतर है वहाँ पे, कबूतर जब अटैक करेगा ना तो गया। चाचा निकालो। रहन दो। अब देखो भाई कबूतर की वजह से यहाँ पर सफाई करने के लिए भी नहीं हो रहा है, ये पूरा साफ करना था हमने, ये बॉक्स हटाना था यहाँ से। रहन दो, रिसो हटा देगा, वो अंडा हटा देगा। कबूतर हटा देगा अंडा। देखो अगर हम आपको इधर से ले जाएंगे तो आपको कैसा लगेगा? वो कबूतर का बच्चा है वो। मैं भी बच्चा हूँ। हाँ चाचू, मैं आपसे बात नहीं कर रहा। क्यों? आपने मुर्गी को अंदर नहीं दिया। चल चल चलो अंदर, चलो अंदर, चलो अंदर, चलो। अब पता नहीं भाई रिसु को क्या ही है, वो बोल रहा है कि मैं उस पर हाथ लगाता हूँ। हाथ नहीं लगाना, वो खराब हो जाएगा। कबूतर आके बोलता है अब मैं अंदर जाता हूँ, वो सारे कबूतर अटैक करेंगे, बच्चे पे अटैक करते हैं वो। हाँ छोटे बच्चे पे अटैक करते हैं वो। अब यहाँ बालकनी में लॉक मार देते हैं ताकि रिसु बार बार बाहर ना जाए। तो अभी लंच टाइम भी हो गया है और यहाँ पर भैया भी आ गए हैं। अब ये देखो कुछ बोलने नहीं दे रहा है। और लंच में बनाया आज कढ़ी चावल और ये हरी सब्जी, और यहाँ पर सैलेड वगैरह है और चटनी भी है भाई। आपने खा दिया? अभी दिन में लंच करने के बाद मैं जस्ट आराम कर ही रहा था, तब तक ये दो भाई यहाँ पर मिलने के लिए आ गए। तो मैं मार्केट गया था ना, तो मार्केट से मैं आ रहा था तो उस टाइम पे इन लोगों ने देख लिया, तो अच्छा लगा भाई मिलके। नाम क्या क्या है? नाम तो पूछा ही नहीं मैंने। मेरा आशीष है। मेरा सौरभ। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्त मिल गए भाई मेरे को भी ना, तो अब इनके साथ अब ये ब्लॉग में दिखते रहेंगे आपको कुल मिला के। ठीक है भैया, ओके, फिर मिलेंगे बाद में। ठीक है, फिर शाम को।
गुड मॉर्निंग एवरीवन, ये है अगला दिन। अब कल के दिन तो ज़्यादा ब्लॉग बना नहीं, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर ना जो हमने नया सामान लिया था टीवी वॉशिंग मशीन वगैरह, तो उसको फिट करने वाले आ रहे थे, तो ऐसे ही घर में रह गया। बाकी आज सुबह सुबह मैं कर रहा हूँ वीडियो एडिट, जो हमारा कूल पहाड़ी गेमिंग वाला चैनल है, तो उस पर बहुत पहले की वीडियोज़ पड़ी है मेरे पास, तो वो एडिट करके डाली ही नहीं थी, तो मैंने कहा खाली भी बोर हो रहा हूँ मैं यहाँ पर, तो उनको एडिट कर देता हूँ तब तक। और आज भी मुझे थोड़ा घूमने के लिए जाना था बाहर, लेकिन भैया ड्यूटी चले गए हैं और साथ में मेरी बाइक भी लेकर गए हैं, तो आएंगे दिन को लंच के लिए। तो इस बीच मैं गेमिंग वाली वीडियो एडिट कर लेता हूं और उसके बाद अगर टाइम लगेगा तो इधर आसपास कहीं घूमने जाएंगे, तो ये कुछ बात है। अब देखो, बहुत सारे लोग बोल रहे थे ना कि अनुज नहीं दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर देखो भाई, ये वाला जो गेमिंग वीडियो है ये पूरा अनुज ने बनाया है, और इसमें उसने एक क्रिकेट पिच बनाई है, तो उसी में लगा हुआ है यहाँ पर देखो, तो ये पूरा इसमें अनुजी है, तो इसी वीडियो को मैं अभी एडिट कर रहा हूँ। और जिस दिन हम देहरादून निकले उसी दिन अनुज घर गया, मतलब वो अपने नानी के यहाँ गया हुआ था, तो मैं बाइक से आ रहा था, वो गाड़ी में मुझे घर जाते हुए दिख गया, मतलब ऐसे बात नहीं हुई बट वो दिख गया था भाई। मुझे अनुज चाचू की खुद लग रही है। खुद लग रही है? हाँ। कसम से, खुद का मतलब होता है हमारे यहाँ पे याद आना, मतलब अनुज चाचू की याद आ रही है। कोई नहीं, बाद में जाना अनु चाचू से मिलने, जब छुट्टी पड़ जाएगी। ठीक है, जाओ लेने आपको। ठीक है, चलो आ रहा, बाय। मैं तब देख लूँ, बाय। अभी शाम के 6:30 हो रहे हैं, रिस्सू बाबी जी आरब ये सब चले गए हैं घूमने के लिए, यहीं पास में एक पार्क है, तो ऐसा है ना कि दिन भर यहाँ पर कमरे में घुटन सी हो रही है। अब ऐसे रहने की तो आदत है नहीं दिन भर कमरे में, गांव के हिसाब से तो गांव में तो ऐसे बाहर ही रहते हैं ज़्यादातर, तो इसलिए कमरे में थोड़ा सी घुटन हो रही है, तो ये ज़रूरी है कि शाम को थोड़ा सा घूमने के लिए निकले। बस यहीं पास में ही पार्क है, तो वहाँ पर झूले लगे हैं, तो रिस्यून के लिए तो बढ़िया हो जाएगा। बाकी आज भी देखो भाई, मैं यहीं पर हूँ, मन ही नहीं कर रहा बाहर निकलने का, यहाँ पर थोड़ा गर्मी भी हो रही है और फिर जाने का मन ही नहीं कर रहा है, तो बाइक भी अभी है नहीं मेरे पास, भैया लेके गए हैं ड्यूटी, तो थोड़ी देर में आएंगे, तब तक अंधेरा हो जाएगा, तो आज भी दिन भर कमरे पे ही। आया आया, किसके लिए है वो? हमारे लिए। मेरे लिए? तो अभी भैया भी आ गए हैं, और देखो भाई यहाँ पर क्या चल रहा है इनका। ए रिसु, मत कर मत कर, रिसु मत कर, रिसु थैंक यू। रात के अभी 10:30 हो रहे हैं और अब फिलहाल वीडियो एडिट करते हैं, लेकिन ना जो मेरा लैपटॉप है वो हो गया है खराब, इसकी जो बैटरी है वो ऑलमोस्ट डेड हो गई है, मतलब ये सिर्फ अगर इसको चार्ज पे लगाओ तभी काम करता है, अदरवाइज अगर चार्ज में नहीं लगाए तो सिर्फ 2 मिनट चलेगा, उसके बाद ऑफ हो जाएगा। और साथ में ना इसका जो कूलिंग सिस्टम है वो भी ख़राब हो गया, इसका जो फैन है वो हर टाइम ऑन ही है, तो ऐसा ये 1 महीने पहले हो गया था। मैं विंडोज़ लैपटॉप यूज़ करता हूँ जो कि एसुस कंपनी का है, यहाँ पर लिखा है, और ये मैंने गोप्रो के स्टिकर लगाए हैं इस पर, तो जैसे इसको ऑन करते हैं तो ये अभी मैंने चार्जर कनेक्ट किया है इससे, तो ये अजीब सी आवाज़ आ रही है, इसके जो फैन है ना वो ऑफ ही नहीं हो रहे हैं, ये देखो आवाज़ आ रही है यहाँ से। इसमें ऐसी आवाज़ तब आती है जब इसमें कोई हैवी फाइल हम एडिट करते हैं, मतलब प्रोसेसर पे ज़्यादा लोड पड़ता है, तो उस टाइम ऐसी आवाज़ आती है, लेकिन आजकल ये ऐसे ही कर रहा है, जैसे ही इसको ऑन करो इस पर ऐसे सूं वाली आवाज़ आती है। तो चलो कोई नहीं, अब देहरादून में आया हूँ तो इसको भी ठीक कर लूँगा। फिलहाल इस वाले ब्लॉग को यहीं पेंट करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।